अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। और आज हम एक चीज़, एक गैजेट रिव्यू करेंगे जिससे आप सबकी जो है ना किचन की लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी और क्विक होने वाली है। वेजीज काटना जनरली काफ़ी बोरिंग और लंबा काम होता है, लेकिन जब से मैंने इस गैजेट को इस्तेमाल करना शुरू किया है तो विद इन सेकेंड्स मेरी सारी वेजीज जो हैं वो चॉप हो जाती हैं। तो इसलिए अब सूप बनाना या सैलेड बनाना या अगर राइस और कोरमा और इस किस्म की सेवरी डिशेस के लिए ज़्यादा अमाउंट में मुझे अनियन कट करना होता है या टोमेटोज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे ये अब बिल्कुल भी एक हैसल नहीं लगता और बहुत ज़्यादा क्विकली मैं ये काम कर पाती हूँ। तो जो है अब मैं रिवील करती हूँ इस गैजेट को कि कौन सा गैजेट है और उसको कैसे यूज़ करना है, और फिर हम इसका रिव्यू भी देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द गैजेट विच हैज़ मेड माई लाइफ मच 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 मोर ईजियर। इस तरह से ये है, अंदर से ये एक छोटा सा हैंडी चॉपर है और इस तरह से इसको बंद करते हैं और उसके बाद इसके साथ ये एक थ्रेड अटैच है जिसको आप टोटल जो है देखिए इसको पहले क्लोज कर लें। ये इसके साथ ये इसका थ्रेड है जिसको हमने वन ट्वाइस एंड थ्राइस तीन टाइम्स पुल करते हैं तो हमारी वेजीज बहुत अच्छी तरह इवनली चॉप हो जाती है। और अगर आपने मज़ीद रिफाइंड चॉपिंग करनी है तो आप उसको एक दो दफ़ा और पुल कर लें। तो ये बस इसका ये सिंपल सा फंक्शन है, इसलिए इसको बच्चे भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं। तो अब जैसे इसमें सबसे पहले मैं आपके सामने ये आज ये मैं वेजीज जो है अपने हॉट एंड सॉर सूप के लिए कट करने वाली हूँ। तो मैं ये अभी ये देखें आपके सामने डालती हूँ। क्रंची हैं बिल्कुल, सॉफ्ट नहीं है। ये देखिए मैंने इसको ऑलमोस्ट पूरा ही फुल कर दिया और बस इसको इस तरह से इसके अंदर इसको बंद बस प्रॉपरली करना है वरना ऑब्वियसली इट वॉन्ट वर्क। ये मैंने बंद किया और अब स्टार्ट। तो ये ऐसे कटती हूँ ताकि नजर भी आए कि ये कैसे करूँ ऐसे। ये देखिए अब हम इसको जब खोलेंगे तो ये देखिए अंदर से ये चॉप हो चुकी हैं जी अच्छी तरह से। अगर आपको थोड़ा सा और करना है तो इसको और कर लीजिए, आपकी अपनी उस पर है कि आपको जैसे अगर कचूमर सैलड बना रहे हैं तो आप इसको और ज़्यादा करेंगे, लेकिन सूप के लिए तो आई थिंक इतना इनफ है क्योंकि बिल्कुल वो श्रेडेड सी भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम ट्राई करते हैं कुछ कैप्सिकम्स मोटे मोटे। ये देखे मैंने कितने बड़े बड़े चंक्स काटे हैं, कोई फाइनली चॉप नहीं हुई भी। ये दो कैप्सिकम हैं, अगेन वन टू थ्री। ये देखिए ये भी इस तरह से होल चॉप। उसके बाद मेरे पास हाँ कैरेट्स हैं, कैरेट्स तो वैसे भी ज़्यादा हार्ड होती हैं। ये देखिए ये भी मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी ली हैं, दो कैरेट्स मोटे चंक्स ही हैं इनके भी है इस तरह से। ठीक है, अभी ये जैसे देखें क्योंकि चंक्स ज़्यादा थे तो अगर ये आपको लग रहा है कि अभी नहीं है तो हम इसको फोर फाइव इसके बाद देखते हैं। ये देखें इस तरह, उप्स एक सेकेंड में उठा लो, ये इतनी हो गई। अगर इससे ज़्यादा करनी है तो फिर आप थोड़ा और इसको कर लेंगे। मैंने एज आई टोल्ड कि मैं जो है वो बहुत उसको चॉप नहीं करती, रिफाइनली नहीं करती, तो दिस इज़ माई स्टाइल। सो ये है वो गैजेट जिसने मेरी किचन लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है और मैं आप सबको भी रेकमेंड करूँगी। बस एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी देखा है बहुत सारे पेजेस पे सेल हो रहा है 500-600 रुपए का भी है, लेकिन उतना सस्ता वाला इतना चीप ना लें क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो थ्रेड है ना असल में सारा गेम इस थ्रेड का है। तो जो बहुत सस्ते वाले हैं उनका थ्रेड इतना वीक है कि जब आप एक से दूसरी दफ़ा इस पर जोर लगाएंगी तो थ्रेड टूट जाएगा और ये बेकार। तो एटलीस्ट जो है ये 1200 प्लस जो हों वो बाय करें, वो ठीक होंगे, लेकिन जो 500-600 में है वो क्वालिटी ठीक नहीं है।
और अगर आप में से किसी के पास ऑलरेडी ये मौजूद है तो वो भी मुझे बताएं कि क्या वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं और उनको भी इतना ही पसंद है, और जिन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया तो वो मेरी रिकमेंडेशन पे इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक दें. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.